हेलो गाइस, मैं हूं बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग ना ट्राइंग वीडियो लाए हैं ना ही ईटिंग वीडियो। आज हम लाए हैं गेस द चिप्स चैलेंज। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। तो बस ये तो बहुत सारे मेरे पास चिप्स हैं अलग अलग कंपनियों के और अलग अलग फ्लेवर्स के। तो ये बहुत अच्छा गेम होने वाला है, इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले मैं अपने भाई की आंखों पे पट्टी बांधूंगा। तो बस इस वीडियो के दो राउंड होंगे, जिसने एक राउंड में सबसे ज्यादा पॉइंट ले लिए और दूसरे राउंड में भी सबसे ज्यादा पॉइंट ले लिए, हम उनको काउंट करेंगे। जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट ले लिए वो इस गेम का विनर होगा, समझ रहे हो? तो जल्दी से चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। बता देता हूँ, ये है लेस का मसाला फ्लेवर, ये चिटोस का शेल्स वेजिटेबल फ्लेवर, और ये है गोल्सन का चीज बॉल्स, और ये है फिल्स का मसाला फ्लेवर, ये चिटोस का फ्लेवी नोट है, और ये है सीनोन का बारबेक्यू, और ये है कुरकुरे का अचारी चटनी, और ये कर्लीज का मसाला फ्लेवर, और ये चिटोस का पिज्जा फ्लेवर। ये सबसे आखिरी में हमारे पास प्लांटी, वो भी वेजिटेबल। सबसे पहले मैं अपने भाई के आपको पट्टी बांधूंगा। सबसे पहले इसकी बारी होगी, अच्छी तरह पट्टी बांधने दो ताकि दिखेगा। बांधी मैंने तो बता दिया तीन और ये फ्लेवर है, लेकिन अगर इसने फ्लेवर गलत बताया तो ये भी उसका पॉइंट माना नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपनी मर्जी से कोई कभी पापा उठा लेता हूँ। गलत जवाब दिया है, ये देखिए, ये है सीनोन का बारबेक्यू फ्लेवर, इसने गलत जवाब दिया। ये भी ऐसा ही है, ये देखिए सेलंटी का एक पॉइंट ये हार गया है। तो बस मैंने इसकी पट्टी और भी टाइट बांध दी है ताकि ये देख ना पाए। तो अभी ये दूसरा पॉइंट भी हार गया है, तो अभी तीसरा पॉइंट भी हार जाएगा। तो टेस्ट करवाऊंगा, ये तो पहचान ही सकते है कौन से चिप्स है, देख लेना।
इस पॉइंट पे हासिल कर पाया हूँ। तो अभी अगला देखते हैं, अगला मैं कौन सा पॉइंट हासिल कर सकता हूँ।
ज्यादा फ्लेवर। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस अभी हम दूसरी बारी दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। और अभी आप पहला पॉइंट तो मैं हार ही गया, अब देखते दूसरा पॉइंट में क्या होता है। दो पॉइंट ठीक देने पड़ेंगे फिर ही मैं गेम से। कभी भी नहीं जीता है तो इस गेम में जीत गए। आप बताएं आपको ये